हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है, मतलब सुबह भी नहीं है और दोपहर भी नहीं है, 10:45 का टाइम होगा। नहा ली थी मैं काफ़ी देर पहले, फिर मैं किचन में जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, अपना व्लॉग भी स्टार्ट करूँगी तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, मतलब कंघी कर लेते हैं और लिपस्टिक वगैरह कर लेते हैं। बिंदी तो लगी हुई है, बिंदी तो जब तक अपने आप ना उतारो तो कई बार उतरती ही नहीं है। तो फिर अभी मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। पहले एक बूंदी का पैकेट ला देना हमको। अरे लिपस्टिक तो लगाई नहीं। हाँ अब ठीक है, ये मैंने न्यू लिपस्टिक्स ली हैं वो लगाई हैं, दो हैं, एक ये एक परसों लगाई हुई थी। तो अभी जो है मैं सब्जी छौंकूंगी, सब्जी बनाऊंगी। मैंने इधर काट के रखी हुई है सब्जी, आलू बीन्स की सब्जी ये लेकर आए थे बीन्स। यहाँ वाला जो मैट बिछा रहता है वो मार्केट से लिया था और वो आज हिला है क्योंकि वो कमेंट आता है कि कहाँ से लिया है, तो वो मार्केट से लिया था। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना। ये भी जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। मैं कढ़ाई रखती हूँ गैस पे, सब्जी छौंकते हैं क्योंकि गुड्डू घर पर ही है तो उसको भूख लग जाती है 1 बजे तक, तो वो 2 बजे तक या 2:15 बजे तक नहीं रुकेगी। तन्मय तो स्कूल गया है, कल तो छुट्टी थी उसकी गणेश चतुर्थी की, आज गया है, महीना महीने की पहली तारीख है आज, कुछ मीठा हो जाए। आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख। कैडबरी का एड है ना फिर ये। हाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और इधर मैंने लिया ये चने उड़द की दाल, इसको मैं फटका मारूंगी। चने उड़द की दाल, चावल, सब्जी, रोटी, रायता, सलाद, सब कुछ बनेगा क्योंकि शाम को हमारे घर में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आज मेरा सूट का वीडियो जाएगा तो मेरे को इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ऊपर से आके पूरा खाना बनाऊं। बस मैं क्या करूंगी, ऊपर से आके आटा बना लूंगी, रोटी बना लूंगी और खाना खा लेंगे, तो इतना टाइम नहीं होता है उसका। तो इसलिए पहले ही काम करते हुए चलते हैं। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. सब्जी तो बन चुकी है, दाल को तड़का रह गया है लगाना, रायता भी बना दिया है और आटा है लगा हुआ और चावल भी साफ़ कर दिए हैं, तो बस दाल को तड़का लगाना है और चावल को छौंकना है, ये 2 काम रह गए हैं। तो मैंने सोचा 5-10 मिनट आकर कमरे में बैठ जाती हूँ, हो जाएगा। और अब ये पंखा इतना तेज़ हो गया है कि मैं इसको 1 पॉइंट कम करके रख रही हूँ क्योंकि हमारे पूरे घर में ये कमरा ठंडा है, मतलब इतना ठंडा, मतलब वैसे नहीं, सारे कमरों को देखते हुए ये कमरा में राहत है क्योंकि जो बरामदा है उधर बनी हुई है ऊपर दुकान और इधर की साइड इस कमरे के ऊपर डली हुई है टीन, तो उससे क्या होता है ना, इस ये तपती नहीं है
बच जाती है, इस वजह से ये ठंडा है। उस दुकान की छांव भी आती है टीन के मतलब इधर की साइड को, तो दबा सा हुआ है और इधर की साइड से भी दबा हुआ है, उधर की साइड से भी दबा हुआ है। तो ये कमरा मुझे पूरे घर में मतलब सभी को, सभी नोटिस करते हैं कि ये कमरा जो है पूरे घर में की अपेक्षा ठंडा है, रिलैक्स मिलता है यहाँ पे बैठ के। तो मैं भी बैठ गई 2 मिनट रिलैक्स करने के लिए। अभी बनाऊंगी चावल और दाल छौंकूंगी। चावल मैंने छोंक दिए हैं, दाल को छोंका नहीं लगाया है। उससे पहले मैं बनाने लगी रोटी, क्योंकि मैं नेहा को खाना खिला रही हूँ। अधिकतर ऐसा होता है कि मैं उसको खाना खिलाकर भेजती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं भी खिला पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि खिलाऊँ। मुझे अच्छा लगता है किसी को खाना खिलाना, तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, मैंने कहा खा ले खा ले थोड़ा सा, तो फिर वो मान गई, तो वो रुक गई खाना खाने के लिए। और फिर जब वो गई तब मैंने दाल को तड़का लगाया है, नहीं मैंने उसी के सामने दाल को तड़का लगाना शुरू कर दिया था। अगर मैं दाल को तड़का लगाने लगती ना तो लेट हो जाता, फिर उसको भी घर जाना है, बच्चे भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो दाल को तड़का लगा रही हूँ, लहसुन अदरक कूट लिया था वो डाला है, जीरा वगैरह डाला है, उसके बाद हरी मिर्च प्याज डाला। जब लहसुन और अदरक हो गया, और लहसुन और अदरक इस दाल में ना मैं कूट के ही डालती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, प्याज लहसुन वगैरह हरी मिर्च। तो टमाटर डाल दिया है, और इसमें मैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें डालूँगी इस वाली दाल में, मैं डालती हूँ। तो ये चीज़ें डालने के बाद मिक्स कर दूँगी अच्छे से, मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दूँगी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ये टमाटर जो है ना देसी टमाटर नहीं है। जो देसी टमाटर विपिन लाते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, गल जाते हैं बगैर पानी डाले, लेकिन इन वाले टमाटर में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा तब जाकर ये गलेंगे। तो टमाटर हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे दाल वैसे तो हो गई थी, मुझे पता है, मैंने दोबारा सीटी लगाई थी इसमें, तो मैंने एक बार चला के इसमें डाल दी है, और इसको कर दूंगी मिक्स। और देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आया है दाल में, कितनी बढ़िया लग रही है। मुझे ना चने उड़द की दाल बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मतलब मेरे को मेरी फेवरेट बोल सकते हैं जो मुझे दालों में पसंद है। तो चने उड़द की दाल बन चुकी है, और बच्चों का ये रहता है उनको पसंद आ जाए ठीक, नहीं पसंद आए तो भी ठीक, खा लेते हैं, लेकिन इन दाल वगैरह में नहीं करते वो कि नहीं खाएंगे ये वो। तो प्लेट लग गई है, ये हमारी बेटी की प्लेट है, बिटिया की, बिटिया रानी गुड्डू। गुड्डू बोलने में वो मना करती है, मम्मी वीडियो में गुड्डू मत बोला करो, मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी देखते हैं वो क्या कहेंगे इसका नाम कैसा है। तो प्लेट लग चुकी है, सब कुछ उसकी प्लेट में लगा दिया है, उसको इस तरह से सब कुछ लगा के प्लेट अच्छी लगती है। तो चलो गुड्डू के पास लेकर चलते हैं प्लेट को। ओ बेटी, हेलो। ओ शिट शिट मैन शिट, लाइट गई, शिट मैन शिट, इधर देखो, हेलो करो, चलो खा लो। लड़की ने अपना खाना खा लिया है, मैंने सोचा था इसी की प्लेट में मैं खा लूंगी, तो इसने क्या करा, आई अपनी प्लेट धोई और सिंक में रख दी। मैंने कहा गुड्डू क्या कर रही है, कि मम्मी मैंने खाना खा लिया और एक की प्लेट थी तो मैंने उस प्लेट को साफ कर दिया है। तो इस तरीके से ये करती है, जैसे कोई बर्तन लाई और सिंक में इसने देखा कि सिर्फ एक ये बर्तन है और एक दो बर्तन और है, तो ये साफ कर देती है, कर दे। बहुत सारे काम है ऐसे जो ये कर देती है। कई बार बच्चा मूडी होता है तो वो मूड में थोड़ा सा कर जाता है, पर कोई बात नहीं, अभी हम खाएंगे खाना, हमारा खाना खाने की बारी है। और जो मेरी प्लेट है, मेरी फेवरेट प्लेट ये है। विपिन औरों को आने में अभी 40-45 मिनट है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी खा लेती हूँ। अगर गुड्डू ना होती तो शायद मैं ना खाती, लेकिन
गुड्डू ने खा लिया है तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि वो मन में रहता है यार सबसे पहले मैं खाऊंगी घर में खाना, सबसे पहले मैं खाऊंगी। बरकत वरकत वाली बातें सुनी है ना इस तरह की, तो वो पता नहीं यार क्यों, और अब के पहले खाने से क्या बरकत नहीं होती घर में, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। लेकिन कुछ चीजें फिर भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम मान लेते हैं, बेशक हमें पता है कहने सुनने की बातें हैं। तो अभी जो है मैं अपना खाना डाल लेती हूँ प्लेट में, लगा लेती हूँ, मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है। एक रोटी ली है मैंने और ये सब्जी ली है मैंने आलू बीन्स की, इसमें से अभी एक दो आलू मैं गुड्डू को खिलाऊंगी। और ये मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, ये दाल है चने उड़द की, ये रायता है। कैसा लग रहा है बताइए, आप लोग भी खा लीजिए। थोड़ा थोड़ा मैंने सब लिया है, मतलब चावल लिए हैं, रोटी भी ली है, और ये चावल एक कटोरी होंगे ये वाली, तो ये मैंने लिया। मैं और नहीं लूँगी चावल, इसी से खाऊंगी, मुझे भूख वैसे लगेगी नहीं क्योंकि इतना सब हो गया। एक कटोरी रायता है, दाल भी है, और दाल देखिए चने उड़द की कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, ध्यान से जाना तन्मय साइड साइड, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं आपके। हाँ सिलेबस मैंने दीदी को व्हाट्सएप, वो ठीक है, बट मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अब आप ध्यान से पढ़ोगे बिल्कुल, ठीक है, हाँ, वरना फिर रोज रात में एग्जाम के टाइम पे पिटाई होगी, मूड खराब होगा आपका भी और हमारा भी, इसलिए अच्छे से अभी से शुरू कर देना। ओके बाय। फंस चुके हैं और मेरा कैमरा शायद थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो 4 बज चुके हैं और मैं जो है थोड़ा सा पानी पीऊंगी, पानी पीते रहना चाहिए, पानी पीते रह... हमारे घर में एक दो चूहे दिख रहे हैं जो कि बहुत दुखी कर रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा इनका, कुछ करना पड़ेगा ना। आज अपने लिए ये बना के रखा था, ये है डिटॉक्स वाटर, इसके लिए वैसे काफी बड़ा बर्तन चाहिए जो कि कांच का ही होना चाहिए। पानी को अलग कर लिया है, छाना नहीं है क्योंकि मोटी मोटी चीजें थी, और ये चीजें ये नहीं, अदरक तो मैं नहीं खा पाऊंगी इसमें से, लेकिन खीरा खा लूंगी जितना खाया जाएगा, क्योंकि फेंकना क्यों, और नींबू मैं इस पे निचोड़ लूंगी, तो ये चीजें मैं खा लूंगी और ये मैं पी लूंगी, इतना है ये, इसमें बाकी का सब वो मटेरियल था, सारी चीजों का टेस्ट इसमें आ गया है। तो भाई अब मैं आपसे सीधा शाम को या रात में ही मिलूंगी, क्योंकि मेरा सूट का वीडियो गया है, तो मुझे अभी ऑर्डर्स वगैरह लेने हैं, वैसे उसमें टाइम है 5:30 बजे शुरू का, लेकिन फिर मैं अब आपसे शाम में ही मिलूंगी सीधा या रात में मिलूंगी, ठीक है ना। अब मैं रात में मिलूंगी तो 9 बजने वाले हैं, अभी मैं नीचे आई हूँ थोड़ी देर पहले, 2-1 बर्तन पड़े हैं सिंक में, वो करूँगी, गुड्डू की ड्रेस प्रेस करूँगी, खाना बनाऊँगी, आटा गूंथूँगी, खाना खाएंगे, और अभी अभी विपिन जी आए हैं और जलेबी लेकर आए हैं, ये नहीं चाहते इनकी बीवी खूबसूरत दिखे, पतली दिखे, स्लिम ट्रिम दिखे, ये बिल्कुल नहीं चाहते, नहीं चाहते बिल्कुल भी, नहीं इसमें क्या है, जलेबी कभी कभार तो खा सकते हैं यार, तुम नहीं चाहते, आप लोग भी खा लो। अभी जो है ये बना दी है दूध जलेबी और मलाई, ये विपिन को पसंद है, तो जो बची हुई जलेबी थी उसको दूध में डाल दिया है और मलाई डाल दी है, और हमने ये थोड़ा सा फोटो वोटो खींचने के लिए इस पे ये काली वाली जो किशमिश होती है, कुछ तो बोलते हैं इसको ब्लैक बेरी वगैरह, तो वो डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर हम इसमें डूबा रहने देंगे जब तक विपिन खाना खाएंगे, उसके बाद ये खाएंगे, बस मैं कारीगरी पे कारीगरी हुए जा रही है। अभी इसमें चिया सीड्स डाल दिए हैं और थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और मैंने सोचा कि जब इतनी मेहनत की है तो फिर आपको भी दिखाई देते हैं। तो ये कैसी लगती है मुझे तो नहीं पता, दूध जलेबी विपिन को बहुत अच्छी लगती है, मेरे पापा को भी अच्छी लगती थी, मेरी मम्मी को भी, मेरे को नहीं ना, ऐसा इंजॉय आप ही लो, मैं नहीं लूंगी।
तो मेरा प्रेस का काम भी हो गया है और साथ में बर्तन भी हो गए हैं और अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ रोटी, इन लोगों को खिला रही हूँ और ये लास्ट रोटी ही थी तो इन लोगों को खाना खिलाया, मैंने भी थोड़ा सा खाना खाया और साथ ही साथ मैं किचन भी समेटने लगी हूँ। किचन में खाना खाने से पहले ही समेट देती हूँ, बहुत बार कई बार आलस आ जाता है तो खाना खाने के बाद भी ये काम होता है, तो वो डिपेंड्स करता है मूड पर। तो अभी जो है मेरा सारा काम हो चुका है, अभी ऊपर भी जाना है खाना खाने के बाद, कुछ काम रह गया है। तो फिलहाल तो हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड करने पर, तो अभी मुझे आप दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।